उत्तराखंड को 24 जनवरी को नई सीएम मिलने जा रही है और आपको बता दें कि और इस बार हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी और उसी दिन अधिकारियों की क्लास भी लेंगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पर देखिए। उत्तराखंड की नई सीएम सृष्टि गोस्वामी बनेंगी मुख्यमंत्री। एक दिन की सीएम बनेंगी सृष्टि। जी हाँ, चौकिया नहीं, ये बिल्कुल सच है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 24 जनवरी को सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाने का ऐलान किया है। बालिका दिवस के मौके पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी, उत्तराखंड के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतीकरण करेंगे। सृष्टि के सीएम बनने से घर वाले काफी फक्र महसूस कर रहे हैं। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। बहुत गर्व फील हो रहा है, बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, बेटियाँ किसी से कम नहीं है। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार के दौलतपुर गाँव की रहने वाली है और रुड़की के BSMPG कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर कर रही है। आशुष शर्मा, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन है सृष्टि गोस्वामी। हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं सृष्टि, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें, रुड़की में BSc एग्रीकल्चर सातवें सेमेस्टर की छात्रा हैं। मई 2018 में वो उत्तराखंड बाल विधानसभा की CM बनी। सृष्टि के पिता प्रवीण गोस्वामी व्यापारी हैं। सृष्टि की माँ सुधा गोस्वामी गृहिणी हैं।